Hello friends, today we will discuss about the multiple choice question raised in the NEET examination from 2014-17 on the chapter Morphology of Flowering Plants. तो Morphology of Flowering Plants अगर हम देखें तो NEET के NEET exam point of view से ये chapter most important है और यहाँ से लगभग 5 से 6 question प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो इस अकेले चैप्टर का लोड बहुत ज़्यादा है और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा और छोड़ दिया तो एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। 2017 में पहला क्वेश्चन, कोकोनट फ्रूट इज़ अ, कोकोनट फ्रूट क्या है? बेरी, कैप्सूल, नट, ड्रूप। तो देखिए, इन मैंगो एंड कोकोनट, ये बुक में आपके एनसीईआरटी में एज सच लिखा हुआ है, द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। कोकोनट और मैंगो ड्रूप है, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, अ मिडिल फ्लेसी एडिबल मेसोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज अ इंडोकार्प, दिस इज मेसोकार्प एंड एपिकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, द मेसोकार्प इज फाइब्रस। तो कोकोनट का जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस होता है। ओके, तो कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप फ्रूट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफाइड, या थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, जो बोगनवेलिया का थॉर्न्स है वो किस चीज का मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू उडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। ये जो स्टेम है, यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ये पॉइंटेड थॉर्न्स के रूप में निकले हुए होते हैं। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज साइट्रस यानी कि नींबू एंड बोगनवेलिया, दे प्रोटेक्टेड प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ये ब्राउजिंग एनिमल्स से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बोगनवेलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है जहां पे रूट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देयर इज अ रूट कैप, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही रूट हेयर मिलते हैं, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, द रूट हेयर्स डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 2017 में पूछा हुआ है, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो विविपैरी बिलोंग्स टू, प्लांट्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर सो करता हो, प्रोड्यूस करता हो और विविपैरी हो, उसको क्या कहते हैं? तो निमेटोफोर्स जो है, निमेटोफोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन, और वो कहाँ पे? तो ये देखते हैं, इन द सॉयल इन द कोस्टल रीजन इज पुअरली एरेटेड एंड इट कंटेन्स वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द वाटर लॉजिंग। ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर लॉजिंग अक्सर हो जाती है, फ्लडिंग एरिया होती है, ऐसे जगहों पे कोस्टल रीजन्स पे जो सॉयल है वो पुअरली एरेटेड होती है। अंडर सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में द रूट्स ऑफ हेलोफाइट्स डू नॉट गेट सफिशियंट एयर। हेलोफाइट्स जो वहाँ पे मिलते हैं उनमें सफिशियंट एयर उनके रूट में नहीं पहुंच पाते। इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस लैक ऑफ सॉयल एरेशन द हाइड्रो हेलोफाइट्स डेवलप स्पेशल टाइप ऑफ निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स आर ब्रीदिंग रूट्स। तो ये देखिए, हेलोफाइट्स से लॉगिंग एरिया है और ऐसे एरिया में जहाँ पे बार बार पानी लॉगिंग होती है या फ्लडिंग है तो प्रॉपर ऑक्सीजन एरेशन नहीं हो पाता सॉयल में, तो वहाँ पे निमेटोफोर के फॉर्म में निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट ऊपर की ओर निकले होते हैं,
तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज हैलोफाइट्स, ये किसमें मिलता है? हैलोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 जो 2017 में पूछा गया है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज, कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या है और उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है? तो ये देखिए, कोकोनट, कोकोनट का आउटर कोट ऑफ फ्रूट, यहां पर व्हाइट फ्लेश सॉलिड इंडोस्पर्म, ये व्हाइट फ्लेश सॉलिड इंडोस्पर्म है। देयर इज अ कोकोनट मिल्क दैट इज लिक्विड इंडोस्पर्म, दिस इज सीड कोट जो काफी हार्ड होती है, सेल इनर हार्ड कोट ऑफ फ्रूट एंड क्वायर जो छीली जाती है, मिडिल फाइबरस कोट ऑफ फ्रूट, तो जो कि एडिबल नहीं है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, तो एडिबल पार्ट आप आइदर मिल्क आप देख लें, कोकोनट मिल्क को देख लें, या फिर ये पार्ट देख लें, दोनों फ्रॉम द इंडोस्पर्म। तो मॉर्फोलॉजिकल नेचर इनका इंडोस्पर्म है, तो बेस्ट ऑप्शन इसका इंडोस्पर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कॉटिलीडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मेज ग्रेन के कॉटिलीडन को क्या कहते हैं? तो देखिए, मोनोकॉटिलीडन लेस सीड जो मेज का होता है वो मोनोकॉटिलीडनस सीड है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलीडनस सीड्स, जनरली मोनोकॉटिलीडनस सीड्स आर इंडोस्पर्मिक बट सम आइज इन ऑर्किड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, द इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। तो इंडोस्पर्म इसका बल्की होता है और फूड को स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड एलुरॉन लेयर। तो यहाँ पे प्रोटीनिशियस लेयर होती है जिसको हम एलुरॉन लेयर कहते हैं। तो देखिए, आपको आपको एलुरॉन लेयर दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो है वो आपको एक एंड पर, यहां पर ये दिख रही है आपको, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन नोन एज स्कूटिलम। तो मोनोकॉटिलीडनस में स्कूटिलम होता है एंड अ शॉर्ट एक्सिस विथ अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो यहां पे आपको देखिए, दिस इज कॉल्ड स्कूटिलम, प्लूम्यूल एंड रेडिकल आपको यहां पे दिख रहे हैं। The plumule and radical are enclosed in a sheath which is called coleoptile and coleorrhiza. ये sheath है। तो यहाँ पे जब ये sheath यहाँ पे आपकी आ रही है, ये sheath, तो this sheath is called coleoptile जो कि plumule को cover कर रही है and यहाँ पे radical को cover करने वाली को हम लोग coleorrhiza कहते हैं। Okay, तो अब option देखिए, cotyledon of maize grain is called, तो maize grain के cotyledon को क्या कहते हैं? Scutellum। मोनोकॉटिलीडनस में जो कॉटिलीडन है उसको हम लोग स्कूटेलम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो 5 क्वेश्चन आपने इससे पहले देखे थे कि 2017 में 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, 2016 के फेज 1 में ये छठा क्वेश्चन आपको। 7वां क्वेश्चन, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ, ये किसमें मिलेगा? ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ, किस फैमिली के फ्लावर में आपको ये करेक्टर मिलते हैं? तो ये देखिए, लिलिएसी है, लिलिएसी में आपको गाइनोसियम, ट्राइकार्पेलरी सिन कार्पस ओबरी सुपीरियर ट्राइलॉकुलर विथ मेनी ओब्यूल्स एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये लिलिएसी का करेक्टर है, ट्राइकार्पेलरी सिन कार्पस। तो यहाँ पे ट्राइकार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन द लिलिएसी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, 2016 के फेज 1 में पूछा हुआ है। थॉर्न ऑफ साइट्रस, अभी हम लोगों ने देखा कि थॉर्न्स तो स्टेम मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, दिस इज ऑल्सो अ स्टेम मॉडिफिकेशन। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुनिटा ओपुनिटिया That is a xerophyte, cactus को कहते हैं, तो वो भी आपका stem modification है। But pitcher of Nepenthes, it is a leaf modification।
तो पिचर प्लांट आर सेवरल डिफरेंट कार्निवोरस प्लांट विच हैव मॉडिफाइड लीव्स. ये लीव का मॉडिफिकेशन है. नोन एज पिटफॉल ट्रैप्स, अ प्रे ट्रैपिंग मैकेनिज्म फीचर अ डीप कैविटी फिल्ड विथ डाइजेस्टिव फ्लूइड. तो यहाँ पे डीप कैविटी होती है और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होती हैं, ये ट्रैप कर लेता है. तो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव रेदर देन स्टेम. तो यहाँ पे बाकी तीन स्टेम के मॉडिफिकेशन है, बट पिक्चर ऑफ नेपेंथिस इज अ लीफ मॉडिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच्ड टू द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन. तो स्टेमेन के दो एंड होंगे, ठीक है. तो एक एंड पे उसके एंथर होता है. आइए देखते हैं. एंड्रोसियम इज कंपोज ऑफ स्टेमेन. Each stamen which represent the male reproductive organ consists of a stalk or filament and an anther. Each anther is usually bilobed. तो सभी anther bilobed होते हैं generally, and each lobe has two chamber. और सब every lobe में दो chambers होते हैं. The pollen sacs. The pollen grains are produced in pollen sacs. Stamen of flower may be united with other members such as petals or among themselves. When stamens are attached to the petals, तो यानी कि stamen petal से attached है. They are epipetalous as in brinzel or epiphyllous when attached to the perianth. तो either stamen petal से arrange होगा या perianth से arrange होगा. तो जब petal से arrange होगा तो इसे हम epipetalous कहते हैं, और जब perianth से attached होगा तो इसे हम epiphyllous कहते हैं. Okay? तो proximal end of filament of stamen is attached to the, अब यहाँ पे देखिए पेटल मिल रहा हो या पेरियंथ मिल रहा हो, तो आपको पेटल मिल रहा है, थैलेमस और पेटल. तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 10, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म. इंडोस्पर्म ही होगा. तो ये देखिए, ये लिक्विड इंडोस्पर्म है, तो ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म. तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर. 2016 के फर्स्ट फेज में ही यह 10वां क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन 2017 से पूछे गए थे. ये देखिए, 6ठा क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है. स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज. स्टेम का मॉडिफिकेशन इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स, फ्लैट ग्रीन ऑर्गन बना दे परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव, और वो परफॉर्म कर रहा हो फंक्शन ऑफ लीव का, इसको क्या कहते हैं? तो ये देखिए, आपको हिलोड और फाइलोक्लैट्स, तो फाइलोड एंड फाइलोक्लैट्स में डिफरेंस दिखा रहे हैं हम. यहां पर देखिए, जो फाइलोड बनते हैं दैट इज आइदर बाय द रैकिस और पेटियोल, और स्टेम का जब मॉडिफिकेशन होकर ऐसे आर्गन डेवलप हो जाए तो इसको हम लोग फाइलोक्लाइट्स कहते हैं. जरा थ्री देखिए, फाइलोड इज अ पेटियोल आर रैकिस, पेटियोल आर रैकिस, रैकिस है या फिर पेटियोल होगा जो लीफ से लगा होता है. मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एग्जांपल एकेसिया, इट हैज बाइपिनेट लीव्स, द लीफलेट फॉल ऑफ अर्ली, देन रैकिस डेवलप इनटू लीफ लाइक फाइलोड. तो फाइलोड इज अ जीरोफाइटिक एडाप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशनल ट्रांसपायरेशन थ्रू लीव्स. ए फिलोक्लैट्स इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन. जो फिलोक्लैट्स है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, जबकि फाइलोड किसका? पेटियोल और रैकिस का मॉडिफिकेशन होता है. फाइलोक्लैट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव इन सम जीरोफाइटिक प्लांट्स. इट मे बी फ्लैटेंड एज इन ओपुंटिया और सिलिंड्रिकल एज इन कैजुराइना. दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. दे हैव सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स. ओके, तो ये ओपुंटिया है, ये ग्रोइंग पॉइंट है आपका. तो यहाँ से लीफ स्पाइंस, स्टेम स्पाइंस निकली हुई हैं. फ्लैटेंट सकुलेंट स्टेम है ये पे. तो फाइलोक्लैट स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि फिलोड रैकिस या पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है. तो स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स, जब स्टेम मॉडिफाई होकर फ्लैट ग्रीन ऑर्गन बना दे तो दैट इज कॉल्ड फिलोक्लैट्स. तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 12,
The standard petal of a Papilionaceae corolla is also called. The standard petal of the Papilionaceae corolla क्या कहलाता है? तो ये देखिए, standard petal of Papilionaceae corolla is called. In P, ये Papilionaceae का है. पहले हम लोग इसको देख लेते हैं. The five free petals are arranged as similar to butterfly. They are arranged in vexillary type. तो ये vexillary type of estivation मिलता है, in which there is a large petal, standard or vexillum, two lateral free petals, wings, and two inner united and boat shaped petals, keels. तो ये Papilionaceae है, Fabaceae का एक type है. Papilionaceae में आपको ये मिलते हैं vexillum, तो या vexillary. तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी Papilionaceae का जो है फ्लावर है, दिख रहा है आपको. ये बैनर है, ये सबसे लार्ज पेटल होता है. और ये दो आपको यहाँ जो दिख रहे हैं, ये कील हैं, ये दो विंग्स हैं, ठीक है. तो ये बैनर सबको ढके हुए होता है. तो इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर फाइव पेटल्स. The largest overlap the two lateral petals, which in turn overlap the two smallest anterior petals, that is keel. This type of estivation is known as vexillary or Papilionaceae. So standard petal of a Papilionaceae corolla is also called vexillum. इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? Vexillum कह सकते हैं. Question number 13, 2016 के phase 2 में पूछा हुआ है. The term Polyadelphus is related to. Polyadelphus का मतलब क्या है या किससे related है? The stamen in the flower may either remain free, या तो वो बिल्कुल free होगा, polyandrous, or may be united in varying degree, या फिर वो united होगा varying degree में. The stamens may be united into one bunch or one bundle. जब वो सारे स्टेमन मिलकर एक बंडल या एक बंच बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोडेल्फस. दिस इज मोनोडेल्फस. ओके, एज इन चाइना रोज, जैसा कि चाइना रोज में मिलता है. टू बंडल्स, जब दो बंडल में हो, एक अलग, तो दैट इज कॉल्ड डाइडेल्फस. एज इन पी, जैसा कि मटर में देखा गया. आर इंटू मोर देन टू बंडल्स, अलग अलग हैं सब, देन इट इज कॉल्ड पॉलीडेल्फस. तो ये किसका अरेंजमेंट दिखा रहा है? ये अरेंजमेंट दिखा रहा है स्टेमन के. तो स्टेमन यानी कि एंड्रोसियम. तो टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू एंड्रोसियम. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट हियर. 2016 के फेज 2 में ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, सिस्बेनिया, साल्विया, एलियम, एलोए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिस, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमेंस with different lengths in their flowers. इनमें से कितने ऐसे प्लांट हैं जिसका स्टेमन जो है डिफरेंट लेंथ का होता है, उनके फ्लावर में जो स्टेमन है वो डिफरेंट लेंथ के हैं. तो इसमें से देखिए, केवल दो के बारे में आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है और दो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है. तो यहाँ पे देखिए, साल्विया मस्टर्ड के बारे में तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि उनके पास डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेंस हैं, लेकिन टर्निप और रेडिस, इनमें भी डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेंस मिलते हैं. तो आउट ऑफ दीज फोर हैव स्टेमेंस ऑफ डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर्स. तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर. 2016 के फेज 2 में रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ. रेडियल सिमेट्री किसके फ्लावर में मिलती है? तो आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए. तो ये देखिए, द फ्लावर मे बी एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री. अगर रेडियल सिमेट्री मिलती है, या तो भाई एसिमेट्रिकल होगा, या रेडियल सिमेट्री होगी, या बाईसिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी. तो फ्लावर्स जब रेडियल सिमेट्री में हो तो उसको हम लोग एक्टिनोमार्फिक कहते हैं, जब बायलेटरल सिमेट्री में हो तो उसको हम लोग जाइगोमार्फिक कहते हैं. व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेट टू बी एक्टिनोमार्फिक.
अगर कोई भी प्लेन आप पास करें जो उसके सेंटर से होकर गुजर रहा हो और उसके दो इक्वल पार्ट में बांट दे तो इसी को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और ऐसे फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। तो एक्टिनोमार्फिक में आपको मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ये सब एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होते हैं। When it can be divided into two similar halves, only one particular vertical plane, केवल एक vertical plane के द्वारा ही उसका flower दो equal part में divide किया जा सके, तो ऐसे flower को zygomorphic flower कहते हैं। और इसका example है pea, गुलमोहर, bean, cassia. Okay? A flower is asymmetric if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in canna. Canna में एसिमेट्रिक मिलता है। तो अब हम जरा ऑप्शन पे देखते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, तो यहां पे मस्टर्ड देखिए एग्जांपल दिया हुआ है ब्रैसिका, तो ये पता होना चाहिए कि ब्रैसिका और मस्टर्ड का क्या रिलेशन है। तो आप ब्रैसिका यानी कि वो मस्टर्ड से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 16, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, तो प्लेसेंटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लेसेंटेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्लेसेंटेशन, और उसमें से भी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या है। तो प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओब्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओब्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में प्लेसेंटेशन कहलाता है। प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो मार्जिनल, जैसा कि यहां पे दिख रहा है आपको, मार्जिन पे बिल्कुल है, तो ये दोनों आपकी मार्जिन पे हैं, और यहाँ पे मार्जिनल प्रेजेंटेशन में अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर, एक वेंट्रल सूचर पे एक रिज होती है ऑफ द ओवरी, एंड ओब्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज, दो रो बना के चलती हैं, जैसा कि आपको पी में मिलता है। तो पी में आपको किस तरह का प्रेजेंटेशन मिलेगा, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। दूसरे तरह का प्रेजेंटेशन है एक्साइल प्रेजेंटेशन, जहां पर When the placenta is axial and the ovules are attached to it in multilocular ovary, यहां पर देखिए multilocular के फॉर्म में दिख रही है, ठीक है, multilocular के फॉर्म में दिख रही है, और as in China rose, tomato and lemon, China rose, tomato और lemon में आप जब tomato को देखेंगे तो आपको tomato में भी इस तरह के ovules दिखेंगे। पैराइटल प्रेजेंटेशन, द ओब्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल, देखिए यहां पे इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ये ओवरी है और ओवरी के इनर वॉल पे यहां पे मिल रहे हैं, ओवरी के इनर वॉल पे मिल रहे हैं यहां पे ओव्यूल। ओवरी इज सॉरी यस तो ओवरी आर पेरिफेरल पार्ट, ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम्स, ओवरी पूरी एक चैम्बर्ड है लेकिन इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, तो फॉल्स सेप्टम बनने से टू चैम्बर्ड हो जाती है, अदरवाइज इसकी जो ओवरी है वन चैम्बर्ड है। तो ये कहां मिल, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको किसमें मिलेगा, मस्टर्ड में और आर्जिमोन में। तीसरा देखिए, व्हेन द ओब्यूल्स आर बॉर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस, जब ओब्यूल सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट हो एंड सेप्टा आर एब्सेंट, सेप्टा ना हो, एज इन डायंथस एंड प्राइमरोस, द प्लेसेंटल इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, इसको हम लोग फ्री सेंट्रल कहते हैं, जब ओव्यूल सेंटर पे हो और कोई भी सेप्टम प्रेजेंट ना हो ओवरी में। लास्ट है द बेसल प्रेजेंटेशन, द बेसल प्रेजेंटेशन डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओब्यूल इज अटैच टू इट, केवल एक सिंगल ओब्यूल यहाँ पे होगा, नॉट मोर देन डैट, एज इन सनफ्लावर और मारीगोल्ड। तो अब यहां पे देखिए फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन, तो आप देख लीजिए फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का क्या उदाहरण है, डायंथस एंड प्राइमरोस, तो डायंथस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 17, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ, अभी हम लोग कील के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पैप्लिनेसी का उदाहरण दे रहे थे और वहां पे उसके फ्लावर को देख रहे थे कि उसमें बटरफ्लाई टाइप की मिलती है, तो एक उसका जो पेटल है वो बड़ा है, उसके बाद अंदर के दो कील हैं, दो दिख रहे थे आपको, अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर फाइव पेटल्स, द लार्जेस्ट वन इज द स्टैंडर्ड, ओवरलैप्स द टू लैटरल पेटल विंग्स,
which in turn overlaps the two smallest anterior petals, that is keel, and this type of aestivation is known as vexillary or papilionaceae. Okay, Indigofera. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा उदाहरण को चेंज किया हुआ है. अगर आप NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा NCERT को इलाबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी आपको. Indigofera is a large genus of over 750 species of flowering plants belonging to the pea family. तो Indigofera पी फैमिली से रिलेटेड है. ठीक है, एलोए, एलोए जो एलोवेरा आप देखते हो, एलोवेरा भी जो है इसी की स्पीसीज है. एलोए इज द जीनस और इसके पास भी 500 से ज़्यादा स्पीसीज हैं. और ये सकुलेंट प्लांट्स फैमिली एस्फोडिलेसी से बिलोंग करती है. टोमेटो सोलेनेसी से बिलोंग करती है एंड ट्यूलिप लिलियेसी से बिलोंग करती है. ठीक है, तो यहां पे P फॉर पेपलिनेसी याद रहेगा, P फॉर पेपलिनेसी. तो ये इंडिगोफेरा यही है इस P फैमिली का. ठीक है, तो आप और पेपलिनेसी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, वैक्सिलरी या पेपलिनेसी जो फेबेसी का एक पार्ट है. तो इंडिगोफेरा यहां पे ऑप्शन, कील इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ इंडिगोफेरा. क्वेश्चन नंबर 18 2015 में पूछा गया है, पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन. तो पेरीगाइनस क्या है पहले इसको समझ लेते हैं. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरेला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी एंड थैलेमस द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. यहां पे देखिए पहला दिख रहा है आपको हाइपोगाइनस, दूसरा दिख रहा है पेरीगाइनस और तीसरा दिख रहा है एपीगाइनस. जरा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं. इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन. गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट. जबकि दूसरे पार्ट इसके नीचे होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हाइपोगाइनस और द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर. और ऐसे फ्लावर में जो ओवरी होती है उसको सुपीरियर मानी जाती है. तो ये मस्टर्ड में, चाइना रोज में और बिंजाल में मिलता है. और दूसरी तरह का पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या है कि गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट ऑल द सेम लेवल. सब सेम लेवल पे हैं, इसके चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं. इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस. द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर. यहाँ पे ओवरी को हम लोग हाफ इंफीरियर कहते हैं और ये एग्जांपल इसके प्लम, रोज और पीच है. और तीसरे तरह का है दैट इज कॉल्ड एपीगाइनस फ्लावर. द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली. यहाँ पे ओवरी कंप्लीटली इनक्लोज्ड है एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी. दूसरे प्लांट के जो फ्लावर के पार्ट हैं वो उसके ऊपर अराइज होते हैं. Hence the ovary is said to be inferior. इसलिए ovary को inferior कहा जाता है, as in the flowers of guava and cucumber. तो तीन चीज़ें यहाँ पे, दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर होंगी. एक तो superior ovary का मतलब क्या है, half inferior का मतलब क्या है और inferior का मतलब क्या है. तो inferior का मतलब जब पूरी तरह से enclosed हो गई, superior का मतलब है कि जब ovary ऊपर है, और half inferior का मतलब है कि जब वो same position पे present है. तो अब perigynous flower आर फाउंड इन किसमें मिलेगा, पेरीगाइनस का देख लीजिए, प्लम, रोज और पीच. तो रोज यहां पे दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 19, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. लीव्स स्पाइंस में कहां चेंज हो जाती हैं, तो लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइबिंग एज इन पी, आर इनटू स्पाइंस फॉर द डिफेंस एज इन कैक्टी. ये डायरेक्ट लाइन है आपकी एनसीईआरटी में. तो स्पाइंस में कहां हुई, कैक्टी में, कैक्टस में. तो ओपुंटिया इज अ जीनस इन इन द कैक्टस फैमिली, कैक्टेसी. तो ओपुंटिया इसका उदाहरण होगा. ये देख रहे हैं आप कैक्टस का प्लांट ओपुंटिया. फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये फ्लोरल फार्मूला किसका है, सिसबेनिया, ब्रैसिका, पेट्यूनिया, एलियम, ये किसका है. तो जरा इस फ्लोरल करेक्टरिस्ट पे चलते हैं जो आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है. तो ये आपको फ्लोरल फार्मूला सेम दिख रहा है कि यहाँ पे K5, C5, A5, एंड्रोसियम 5, गाइनोसियम 2,
ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओवरी सुपीरियर दिख रही है आपको, ठीक है। ये कहाँ पे किस में मिलते हैं, तो सोलेनम निक्रम, ये सोलेनेसी फैमिली का जो है उदाहरण है, ओके। तो इसका जो सोलेनेसी फैमिली का उदाहरण है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या क्या है, देखिए। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, फ्यूमिगेटरी में टोबैको, ऑर्नामेंट्स में पेट्यूनिया। तो पेट्यूनिया यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 2015 में पूछा गया है, द हिलम इज अ स्कर ऑन द, बहुत ही बिल्कुल फिगर का क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है। ये देखिए हिलम दिख रहा है आपको, हिलम इज अ स्कार ऑन द, कहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड द इनर इज टेगमेन। सीड कोट के दो लेयर होते हैं, आउटर को टेस्टा और इनर को टेगमेन कहते हैं। द हिलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच्ड टू द फ्रूट, डेवलपिंग सीड फ्रूट के द्वारा अटैच होती है, ओके। एबव द हिलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल, और हिलम के ऊपर आपको माइक्रोपाइल दिखेगा। तो हिलम इज अ स्कार ऑन द सीड वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, किसमें, कौन से फ्रूट में प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही एडिबल पोर्शन है, तो यहां पे देखिए टोमेटो, टोमेटो इज बॉटनिकली ए फ्रूट बट इट इज कंसिडर्ड एज वेजिटेबल, ये एक फ्रूट है लेकिन इसको वेजिटेबल में कंसिडर करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, इट इज रिच इन लाइकोपिन, लाइकोपिन से रिच है, इट्स एडिबल पार्ट आर बोथ प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प, टमाटो का ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों खाई जाती है, द प्लेसेंटा इज कनेक्टिव टिश्यू विच सप्लाइज न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो एंड पेरिकार्प इज द रिमेन्स ऑन द आउटर ओव्यूल वॉल। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये प्लेसेंटा का पार्ट है, ठीक है, ये आपको सेप्टम दिख रहे हैं, दीज आर द सीड्स आर ओव्यूल्स, यहाँ पे फ्यूनिकल्स हैं, इसके बाद आपको दिख रहा है इंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एपिकार्प, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। तो पेरिकार्प भी खाते हैं, प्लेसेंटा भी खाते हैं, दोनों खाते हैं टमाटर का, तो टोमेटो इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, जब पेटल्स का, सेपल्स पेटल्स एक ही हैं, पेटल्स या सेपल्स का जो मार्जिन है ओवरलैप एच अदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द कंडीशन इज टर्म्ड एज, किसी भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, तो पहले इसके डिस्कशन देख लेते हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन दैट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड, ये जो फ्लावर है इसमें जो ये पेटल्स हैं या सेपल्स हैं इनके अरेंजमेंट को ही एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन, तो ये एस्टिवेशन चार तरह के, मेनली चार तरह के हैं, वाल्वेट, ट्विस्टेड, लुम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। वाल्वेट में क्या है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, बस मार्जिन इनका टच करता है, ओके। तो ये कहाँ मिलता है, कैलोट्रोपिस में, जबकि ट्विस्टेड में क्या है, ये ट्विस्टेड में आपको एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और एक डायरेक्शन है, सब आगे आने वाला एक ऊपर होगा एक नीचे, आगे आने वाला एक ऊपर एक नीचे, तो ये एक डायरेक्शन में होते हैं। जबकि इम्ब्रिकेट में क्या है, ये भी ओवरलैप करते हैं लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है कोई किसी के ऊपर भी, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ये दोनों नीचे हो गए, ये एक ऊपर एक नीचे, यहाँ दोनों ऊपर हो गया, तो ये कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है बट एक दूसरे को ओवरलैप जरूर कर रहे हैं। और चौथा आपका वेक्सिलरी है जिसमें एक बड़ा है दो छोटे हैं जिनको हम विंग्स कहते हैं, फिर आपके कील होते हैं, तो ये तो वेक्सिलरी का उदाहरण है, पेप्लिनेसी में मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसका जो उदाहरण होगा वो यही इम्ब्रिकेट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर।
क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द सीड इन ग्रास इज नॉट इंडोस्पर्मिक, मैंगो इज एन पार्थेनोफिल फ्रूट, द प्रोटीनिशियस एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन, द स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। तो देखते हैं इसके उदाहरण, सीड इन ग्रासेस आर इंडोस्पर्मिक, तो ये तो क्या हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि नॉट इंडोस्पर्मिक, बट हम तो कह रहे हैं कि सीड इन ग्रासेस इज इंडोस्पर्मिक, बनाना इज अ पार्थेनोफाइल, अच्छा मैंगो के बारे में पूछा है, मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नहीं बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है लेकिन मैंगो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अ प्रोटीनिशियस एलुरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन, हाँ ये तो सही है, प्रोटीनिशियस एलुरॉन लेयर प्रेजेंट होती है मेज ग्रेन में, ठीक है। अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, नहीं स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड पिस्टिलोड, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटीनिशियस एलुरॉन प्रोटीन लेयर ऑफ मेज स्टार्ट डेवलपिंग अप्रॉक्सिमेटली 10 to 15 days आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के 10 से 15 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाता है एलुरॉन लेयर का फॉर्मेशन इन स्टैक। दे टेक 40 days फॉर द एलुरॉन टू मैच्योर कम्प्लीटली, और लगभग 40 दिन लेता है एलुरॉन को पूरा तरह से मैच्योर होने में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 25, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, यहाँ पे कौन सा एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का उदाहरण है। तो कैरेट, स्वीट पोटैटो, ग्राउंड नट, पोटैटो, इसमें से कौन सा एडिबल स्टेम है। तो देखिए बाकी सब तो आपको रूट हैं, बट पोटैटो दैट इज अ सोलेनम ट्यूबरसम इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम विच बिकम्स फ्लैसी एंड ट्यूबरस एज अ रिजल्ट ऑफ फूड स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। तो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 26, क्वेश्चन नंबर 26, द एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, एग्रीगेट फ्रूट क्या है। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन भी साथ ही आ गया है, तो देख लेते हैं। एग्रीगेट फ्रूट आर दोज विच डेवलप्स फ्रॉम मर्जर ऑफ द मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसिन। एग्रीगेट फ्रूट कैसे डेवलप होगा, डेवलप होगा मर्जिंग से, जब मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम मर्ज करेंगे। जबकि सिंपल फ्रूट में क्या होता है, इट इज डेवलप फ्रॉम वन ओवरी, ये केवल एक ही ओवरी से, और जबकि यहाँ पे मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम के बहुत सारे के मर्ज होने से बनता है। एग्रीगेट फ्रूट में आल्सो बी कॉल्ड एसेसरी फ्रूट, इसको हम लोग एसेसरी फ्रूट भी कहते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर अदर देन ओवरी बिकम फ्लैसी एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द फ्रूट, दैट इज एग्जाम्पल इसका रसबेरी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। क्वेश्चन नंबर 27, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किसमें प्रोड्यूस होता है। तो इसका उदाहरण तो पी होगा, देख लीजिए। नॉन एल्ब्यूमिनस नॉन इंडोस्पर्मिक सीड आर दोज इन विच कॉटिलीडन आर यूजुअली स्मॉलर, जिसका कॉटिलीडन स्मॉलर है एंड लेस डेवलप्ड, कम डेवलप्ड होता है। सच सीड्स आर टर्म्ड व्हेन मोस्ट आर ऑल ऑफ द इंडोस्पर्म इज यूज्ड अप मच बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से पहले ही यूज हो चुका है। दस आउट ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स गिवेन इन द ऑप्शन द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन पी, दैट इज पाइसम सटाइबम, मेज, कैस्टर और वीट में आपको एल्ब्यूमिनस मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन रेज्ड इन द नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम 2014 to 17। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थोड़ा लंबा था वीडियो, चूंकि आपने देखा कि 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल 5 साल के पेपर में, तो मतलब फ्रीक्वेंसी 5 से ऊपर ही रहेगी, 5 या 5 से ऊपर ही रहेगी। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो आप इसकी ढंग से तैयारी करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए और इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद। इन द लास्ट